लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सतना के कद्दावर नेता मनीष तिवारी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। सीएम मोहन यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के पलायन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में सतना के कद्दावर नेता मनीष तिवारी ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए भाजपा के साथ हाथ मिला लिया है। मनीष तिवारी विधानसभा चुनाव के समय से ही टिकट न मिलने से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री के अमरपाटन आगमन पर मंच पर ही मनीष तिवारी ने सीएम के हाथों भाजपा की सदस्यता हासिल। देखिए, हमने 32-33 साल तक कांग्रेस में एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सक्रिय समाज में, समाज के दलित, शोषित, वंचित और समाज के सर्वहारा वर्ग के हितों में काम किया। लेकिन काफ़ी समय से हम ऐसे महसूस कर रहे थे कि कांग्रेस में आपके कार्यों का मूल्यांकन नहीं है, और आज कांग्रेस में विश्वास का संकट है। उसके तहत जब काफ़ी मंथन के बाद ये लगा, चूँकि सार्वजनिक जीवन में होता है आदमी, तो हमने परसों खुले मन से अपने साथियों से, जिले भर में हम कॉलेज में छात्र राजनीति से हमने अपना जीवन शुरू किया था, और सभी लोगों से मंथन करने के बाद हमने परसों कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस में बड़ा निराशा का भाव था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।